धार्मिक द्वेष पसरवल्याबद्दल कारवाई करा। धार्मिक बेस्ट विरोधी अमन कमिटीचे पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांना निवेदन। पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी द्वेषमूलक व बदनामीकारक पोस्ट सोशल मीडियावर टाकणाऱ्या मनोर वैद्य या समाजकंटक असा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत कठोर कारवाई करावी अशी मागणी धार्मिक द्वेष विरोध अमन कमिटी सोलापूरच्या वतीने शहर काजी मुफ्ती अमजद अली यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांना निवेदन दिले। बैजल यांनी कारवाईचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिल्याचे पत्रकात म्हटले आहे। शिष्टमंडळात मौलाना इब्राहिम हाशमी मौलाना ताहेर बेग रियाज उंडेकरी अजहर उंडेकरी जबेर बागवान युसुफ मेजर नदाफ मतीन बागवान ना आळसकर आदी उपस्थित होते। समाजकंटकावर त्वरित कारवाई व्हावी ही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे यावेळी शहर काजी यांनी सांगितले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी अमन कमेटी की तरफ से पुलिस आयुक्तालय हम सब मिलकर आए और सीपी साहब से मुलाकात की, क्योंकि कल 4 जनवरी 2022 को जेल रोड की पुलिस स्टेशन में एक गुनाह नोंद हुआ है कि एक शख्स ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखाना पोस्ट की है और धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए, तेढ़ निर्माण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए उसने ये गलत काम किया है और इसके खिलाफ जो है जेल रोड में 295A और साथ ही साथ IT एक्ट के तहत भी गुनाह दाखिल किया गया है, नोन किया गया है। और इसके अलावा भी इसके खिलाफ और इस जैसी मानसिकता वाले सभी लोग जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़राब करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ और ऐसी मानसिकता के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ NSA के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमने साहब को जो है निवेदन दिया और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। फिर भी फौरन पुलिस प्रशासन की तरफ से उस शख्स के खिलाफ जिसने ये पोस्ट किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरन की गई, तो हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो ताकि एक मिसाल कायम हो, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो कि कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई गुस्ताखाना बात न कहे, कोई उनके आत्मसम्मान के खिलाफ बात न कहे, इस तमाम चीज़ों से लोग रुकें, उसके लिए एक मिसाल कायम होना बहुत ज़रूरी है। तो साहब से ने हमें ये आश्वस्त किया है कि वो कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरी आप सभी भाइयों से ये मुअत्तबाना गुजारिश है कि इस तरह के लोग टेढ़ निर्माण करने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को और देश की अखंडता को तोड़ने के लिए ऐसे गलत काम करते हैं, लेकिन हमें मुश्ताइल नहीं होना है, भड़कना नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर हमें कदम उठाना है। आप सभी से मैं अमन और शांतता की अपील करता हूँ, अमन और सलामती कायम और बरकरार रखने की अपील करता हूँ और अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अमन और सलामती नाजिल फरमाए, हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम फरमाए और इस तरह के लोगों की बातों में, बहकावे में न आते हुए हम कानूनी तरीके से इस किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ और इस ऐसी मानसिकता के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह ज़रूर हम खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय मात।